कुटुंब ऐप। अनेक रूपों से पाइए छुटकारा आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। फिल्मी दुनिया में रोज कुछ नया होता है, कभी नई फिल्म की अनाउंसमेंट होती है तो कहीं सितारे किसी न किसी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। ये सभी बड़ी और जरूरी खबरें आपको मिलती है द सिनेमा शो पर। नमस्ते, मेरा नाम है जीशा और चलिए शुरू करते हैं आज का द सिनेमा शो। प्रियंका चोपड़ा जल्द ही कैप्टन अमेरिका वाले एंथनी मैकी के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखाई देंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म एंडिंग थिंग्स में दोनों साथ दिखेंगे। 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाले जेमी डॉर्नन और गाय गैरोट जल्द ही स्पाई थ्रिलर फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन में दिखाई देंगे। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जा सकता है। हुमा कुरेशी की नई सीरीज मिथ्या का ट्रेलर कल रिलीज हो गया है। इस डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज से भाग्यश्री की बेटी अवंतिका दसानी डेब्यू कर रही है। इसे Z5 पर 18 फरवरी से देखा जा सकेगा। आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी से अजय देवगन का फर्स्ट लुक आ गया है। अजय ने इस फोटो को शेयर करते हुए बताया कि 4 फरवरी को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के ग्राफिक नॉवल अथर्व का टीजर आ गया है। उनका आया एनिमेटेड अवतार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ये एक हिस्टोरिकल साइंस फिक्शन बुक सीरीज होगी। आयुष्मान खुराना की फिल्म अनेक की रिलीज डेट आ गई है। अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 13 मई को थिएटर्स में रिलीज हो जाएगी। नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज ये काली काली आंखें का दूसरा सीजन बनने जा रहा है। प्यार और पावर की इस कहानी के दूसरे पार्ट पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। इस सीरीज का धांसु रिव्यू भी आपको हमारी वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल लालन टॉप सिनेमा पर मिल जाएगा। टी सीरीज के भूषण कुमार फिल्म्स और म्यूजिक के बाद अब डिजिटल डेब्यू करने की तैयारी में है। जल्द ही वो OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सीरीज प्रोड्यूस करेंगे। वरुण धवन, पलक तिवारी और राजपाल यादव जल्द ही एक साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। ये तीनों एक नए एड में साथ होंगे जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है। खबरें थी कि बिग बॉस 15 के रनर अप करण कुंद्रा जल्द ही एकता कपूर के शो ब्रोकन बट ब्यूटिफुल के चौथे सीजन में दिख सकते हैं। मगर करण ने इन खबरों को गलत बताते हुए कहा कि उन्हें फिलहाल इस शो के लिए अप्रोच नहीं किया गया। रैपर सिंगर हनी सिंह पर अश्लील गाना गाने और उसे अपलोड करने का आरोप लगा है। महाराष्ट्र का नागपुर जिला अदालत ने इसी आरोप पर एक्शन लेते हुए हनी सिंह का वॉइस सैंपल मांगा है। हनी सिंह का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि सिंगर को आवाज का नमूना पेश करने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में पेश होना पड़ेगा। टीवी के फेमस एडवेंचर शो रोडीज के होस्ट रणविजय ने शो छोड़ दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके और नए प्रोडक्शन हाउस के बीच कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, इसीलिए वो ये शो छोड़ रहे हैं। अब खबर है कि रोडीज के अगले सीजन में मेकर्स सोनू सूद को मेंटर और होस्ट बना सकते हैं, जिसकी शूटिंग 14 फरवरी से साउथ अफ्रीका में शुरू होगी। अमिताभ बच्चन का दिल्ली वाला घर सोपान बिक गया। रिपोर्ट है कि करीब 40 साल पुराने इस घर को 23 करोड़ रुपयों में बेचा गया है। सोपान साउथ दिल्ली में बना हुआ है। निजोन ग्रुप के CEO अवनी ने इसे खरीदा है और अमिताभ अक्सर इस घर का जिक्र अपने ब्लॉग्स में करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोपान को तोड़कर नई बिल्डिंग्स बनाई जाएगी। शबाना आजमी के बाद अब जया बच्चन की भी COVID-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिस वजह से उनकी अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग रोक दी गई है। मराठी और हिंदी फिल्मों के एक्टर रमेश देव का 2 फरवरी की शाम कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। उनके बेटे अजिंक्य ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से रमेश की मौत हो गई। केरला का एक अस्पताल ने स्किन ट्रीटमेंट फैसिलिटी के प्रमोशन के लिए ऑस्कर विनिंग एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन की फोटो इस्तेमाल कर ली। जब लोगों की तरफ से इस बात की शिकायत की गई तो अस्पताल ने तत्काल प्रभाव से मॉर्गन की फोटो को पोस्टर से हटाया और एक माफीनामा भी जारी किया। शाहरुख खान जल्द ही राजकुमार हिरानी की फिल्म में दिखाई देंगे। खबर है कि इस साल मार्च से शाहरुख इस मूवी की शूटिंग भी शुरू कर सकते हैं। तो बस ये थी आज की बड़ी खबरें। अब मुलाकात होगी कल। जुड़े रहिए हमसे और हमारे नए चैनल लालन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस खबर को हमारी साथी मेघना ने लिखा है। मैं हुजीशा, शुक्रिया। थिएटर और OTT में क्या बढ़िया है, एक बार रिव्यू तो बताओ।
जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें ललन टॉप सिनेमा।